हमारे घर में मम्मी नहीं है, पर भैया ने शादी क्यों नहीं की? भैया का प्यार सफल नहीं हुआ। उस लड़की की शादी हो गई? नहीं तो? तो अब हो जाएगी। तुमने सोचा तुम शादी की बात करने आओगे और मैं मान जाऊंगा? मेरे जिंदा रहते तो ये शादी नहीं होगी। अंकल, प्यार करना गुनाह है क्या? गुनाह की बात मत करो प्लीज। हमें एक चप्पल भी लेनी होती हो तो चार जगह इंक्वायरी करते हैं हम, और अपनी बेटी की बिना इंक्वायरी के शादी कर दूंगा क्या? और इंक्वायरी की बैड रिपोर्ट मिली, फ्लैशबैक लाइव देख लो। क्या बड़ी? यही है ना? हाँ पापा। अच्छा है, लड़का अच्छा है। अगर आपको पसंद आया तो शादी करवा दे। अभी सिर्फ देखा है। करोड़ों का मालिक है, कंपनी को प्रॉफिट दिलाता है, अच्छी बात है। अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटाता है, ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे सूत्रों ने बताया है कि ये एक नंबर का उल्लू कपट्टा नालायक। ये बेटे को नालायक बोला? बेटा, इन्हें इतना मत मारो, उन्हें उस जगह पर फाइल्स है, मत मारो। शांत हो जाओ, इन लोगों को ऐसे गुस्से के दौरे पड़ते रहते हैं। बस कीजिए साहब, बस कीजिए, खुद पे कंट्रोल रखिए। अरे नारायण साहब, गुस्सा थूक दीजिए, आप परेशान मत होइए। चलिए मिलके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अरे कॉम्प्रोमाइज? मुझे इतना धोने के बाद कॉम्प्रोमाइज? तशरीफ को कहीं रखने लायक नहीं छोड़ा। कॉम्प्रोमाइज चाहते हो तो पहले मुझे सॉरी बोलो। सॉरी बोल दो, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सॉरी बोलवाएगा? हमसे सॉरी बोलवाएगा? इतनी अरे ये तो फिर से शुरू हो गए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, दौरा खत्म होने वाला है। अरे सब एक साथ मारोगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। एक एक करके थोड़ा थोड़ा मारो ना, ऐसे मारोगे तो ऊपर चले जाएंगे। ओहो, ऑल इज वेल। बाप की मार टाइसन जैसी, बेटे ने पीछे दारा सिंह की तरह मार दिया। लुंगी पहनने में भी 5-5 घंटे लग जाते। एक तो इन्हें पायल्स है, ऊपर से उन लोगों ने इन्हें इतना मारा जैसे महिला संगठन वाले लड़की छेड़ने पे मारते हैं। इतना पिटने पर भी ऊपर नहीं गए। बेटी, वो लोग इंसान नहीं है, यमदूत है। अगर लड़के का बाप मरता तो भी चलता बेटी, लेकिन होने वाले दामाद ने भी धो डाला। ऐसे घर में तुम ही बताओ मैं कैसे अपनी बेटी की शादी कर दूं? मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग बदल गए हैं। ये कोई 1500 के नोट है बेटी जो बदल जाएंगे। गगन इधर आओ, हाथ फोल्ड करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्माइल करो, शेक हैंड करो, सॉरी बोलो, पीछे आ जाओ। देखा कितना बदल गया है, आप भी आजमा लीजिए अंकल। रहने दो बेटा, आजमाने के लिए लूंगी ही काफी है बस। अंकल, बगैर औरत के घर ऐसा लगता है जैसे कोई वीरान जंगल हो, और इनके घर में तो कोई औरत ही नहीं है। सोचिए ये लोग कैसे रहते होंगे। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक लड़का देखकर शादी भी कर दी होती, पर आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए अब तक गगन के भैया का इंतजार किया है। आप सच में ग्रेट है अंकल। इतना सब होने के बाद भी ये अपने भाई के प्यार के लिए आपके सामने सिर झुका के खड़ा हुआ है। ये भाई के लिए इसका प्यार है। शादी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे भरोसे पर अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूँ। थैंक यू स्वीटी। I'm gonna
వచ్చానంటే చిందర వందర సిగ్గండి. ఇందరు ఉండగా నిన్ను నన్ను ఎవడు చూస్తాడండి? గుంపులు ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ, ఫుల్గా కుమ్మేయండి. చూడట్లేదని వైఫై ఫీల్ అవుతుంది. మెరిసే నవ్వుల నిగ నిగనుండగా నగలతో పని ఏముంది? ఒక్కడు నన్ను టచ్ చేయడేంటని లిక్కరు లుక్కేస్తోంది. మందుని మించిన విందుని పంచి బంధువులెంతో మంది. अंकल आपने तो कुछ भी नहीं लिया, कोल्ड ड्रिंक? इधर आओ. आंटी आप लेंगी? नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, इनकी पायल ठीक होने तक मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी, ऐसी मैंने माता से मन्नत मांगी है. ठीक है. अरे जम के हंसी उड़ाओ, उसने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पूछी थी और तुमने पूरी मेडिकल रिपोर्ट दे दी उसे. हाय मिस्टर शिवनारायण. हाय. आपको पायल्स की बीमारी है ना? बी केयरफुल, तीखा मत खाना. मेरा पाइल्स ना हुआ, गुड मॉर्निंग का मैसेज हो गया. तुमने व्हाट्सएप के मैसेज की तरह सबको फॉरवर्ड कर दिया. मायके वालों को तो अब तक बताया नहीं. हाय अंकल, आपने कुछ क्यों नहीं लिया? जूस जूस नो, नो, अरे जूस दीजिए ना, हेल्दी जूस है. कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइए. ओके अंकल, हैव फन. पता है ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है. ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है. ये कैसे खड़े हो? हाथ नीचे करो. जोड़ी अच्छी लग रही. कभी हंस भी लिया करो. स्माइल.